वेलकम इन शादुल किचन। आज मैं बना रही हूँ भाकर पड़ी। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून बेसन, नमक, हींग, 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल एकदम से तेज गरम यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म है, हाथ जल सकते हैं। अब इसे हाथों से मैश कर लेंगे अच्छे से। इसका एक टाइट सा डो बना लेंगे। डो बनाने में मैंने लगभग 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। आटा लगभग हमें 5 मिनट तक लगातार गूंथना है और इसे अब 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रख देते हैं। अब तैयार करते हैं इसका मसाला, इनकी स्टफिंग। इसमें लिया है मैंने सौंफ, जीरा, धनिया, खसखस यानी पॉपी सीड्स, कश्मीरी मिर्च, तिल 2 टीस्पून, 1/4 कप ड्राई कोकोनट, 2 टीस्पून शुगर, 2 टीस्पून हल्दी, हींग, 2 नमक। अब इसका एक हम पाउडर बना लेंगे। इसमें मैंने सारे साबुत मसाले यूज़ करे हैं, क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आटा भी तैयार है। अब इसकी एक हम पतली सी पूड़ी बना लेंगे। अब 1 से 2 चम्मच इस पर लगाएंगे हम इमली की चटनी। इमली की चटनी की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है रेसिपी। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी इसको ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसमें मैंने लगभग 3 टीस्पून लिया है मसाला। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। बस अब इसको रोल रोल करते जाना है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ से हम ऐसे फ्लैट कर देंगे, इससे जो हमारा मसाला है आटे में अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और जब हम फ्राई करेंगे तो निकलेगा नहीं। लो फ्लेम पे हमें इसे डीप फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। स्नैक्स काफ़ी टेस्टी लगते हैं, गुजरात में और महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है भाकर बड़ी। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। मैंने नीचे टिश्यू बिछा रखा है।
ठाकुर भाजी रेडी हो गई है। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।